अरे हिम्मत है तो चुनाव लड़ो ना, भागते क्यों? 56 इंच का सीना लेके प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं हमारा 56 इंच का सीना है, आप लोग कहते हैं हमारा, हमारी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी एमसीडी के चुनाव से भाग रही है, डर रही है केजरीवाल से, आप लोगों को शर्म नहीं आती? धन्यवाद माननीय, आपने रेल मंत्रालय के बजट पर मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया। माननीय, आज जब मैं सदन में आ रहा था, बिहार के बहुत सारे लोग, नौजवान साथी घर पर मिलने आए और उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की। माननीय, 2019 में उन्होंने रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा निकाली गई परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली, मुख्य परीक्षा पास कर ली, चिकित्सा की जांच पास कर ली, और 2019 से लेकर आज तक 3 साल हो गए माननीय, 8 से 10 हजार नौजवान ऐसे हैं जिनको नियुक्ति नहीं मिली, जिनको आज तक ज्वाइनिंग नहीं मिली। यह बेरोजगारों के प्रति आपका रवैया है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और पीड़ादायक है। और जब वो रेलवे भर्ती से पीड़ित नौजवान छात्र प्रयागराज में सड़कों पर उतरते हैं, पटना में सड़कों पर उतरते हैं, तो आप अपने ही देश की धरती पर उनके साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार करते हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं, लाठियों से उनको पिटवाते हैं, घर में घुस घुस के उनको मरवाते हैं, पिटवाते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे मालूम पड़ रहा है कि वो दुश्मन देश के नागरिक हैं। ये इस देश के नौजवानों के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। और बेरोजगारों के प्रति आपका रवैया क्या है? हर जगह रेलवे में मानवत ठेका प्रथा घुसेड़ दिया गया, सफाई कर्मचारियों में ठेका प्रथा, स्टेशन के मेंटेनेंस में ठेका प्रथा, सिग्नल के मेंटेनेंस में ठेका प्रथा, बिजली के मेंटेनेंस में ठेका प्रथा, कोच के मेंटेनेंस में ठेका प्रथा। और ये ठेका प्रथा जब आप लेके आ रहे हैं तो एक तरफ आप रोजगार को मिटाने और खत्म करने का काम कर रहे हैं और दूसरे तरफ इस देश के दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, आरक्षण की व्यवस्था के साथ आप खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं, उनका हक मारने का काम कर रहे हैं आप। माननीय, खुद रेलवे विभाग ने यह माना है कि सेफ्टी कैटेगरी में लगभग 1,50,000 कर्मचारियों की वैकेंसी है, लगभग 1,50,000 रिक्तियां आपके पास सिर्फ सेफ्टी कैटेगरी में है, रेलवे की सुरक्षा के क्षेत्र में है, आप वो भर्ती करते नहीं। आपके पास मेंटेनेंस के क्षेत्र में या जिन क्षेत्रों में रेलवे में भर्तियां खाली है वहां पे आप भर्ती क्यों नहीं करते? 3 लाख भर्ती अगर रेलवे विभाग चाहे तो पक्की सरकारी कर्मचारियों की कर सकती है, लेकिन आपको पिछड़ों का हक मारना है, दलितों का हक मारना है, निजीकरण करना है, सरकारी व्यवस्था को खत्म करना है। हमारे मंत्री जी ने बयान दिया, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई माननीय, इन्होंने कहा निजीकरण नहीं होगा। अब पता नहीं वित्त मंत्री और रेल मंत्री एक साथ बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं, दोनों लोग आपस में चर्चा करते हैं कि नहीं करते हैं। वित्त मंत्री जी कहती हैं रेलवे की 26% संपत्तियां हम बेचेंगे, लगभग 1,50,000 करोड़ रुपए रेल की संपत्ति बेच के हम अर्जित करने का काम करेंगे। और मेरे पास तारीख है, 31,000 करोड़ रुपए की टेंडर इन्होंने निकाला जिसमें से मात्र 7,200 करोड़ रुपए का इनको आय हुई, बाकी लोगों ने टेंडर में हिस्सा ही नहीं लिया। तो आप एक तरफ लोगों के बीच में तो ये कहते हैं कि हम निजीकरण नहीं करेंगे, लेकिन निजीकरण करने के लिए जितनी भी आप योजनाएं ला सकते हैं रेलवे के अंदर वो लाने का काम करते हैं। दूसरी बात माननीय, मैं इनका पढ़ रहा था कि रेलवे में पिछले 5 वर्षों से लगातार आमदनी में कमी आ रही है, लगभग 7.8% इनकी आमदनी घटी है। आमदनी भले ही रेलवे की घट रही हो, भले ही आपने पिछले दिनों में रेलवे के प्लेटफॉर्म की टिकट 50 रुपए कर दिया हो, पैसेंजर के किराए को आपने 3 गुना वृद्धि कर दिया हो, बाकी चीजों में वृद्धि कर दिया हो, लेकिन आपकी आमदनी 7.8% घटी, ये आंकड़े बताते हैं। लेकिन उसके बावजूद आप अपने राजनीतिक कारणों से
रेलवे को घाटा पहुंचाने के लिए तैयार रहते हैं, आप अपने राजनीतिक कारणों से रेलवे का नुकसान करने के लिए तैयार कर रहते हैं। मैं माननीय बड़ी विनम्रता पूर्वक आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, हमारी दिल्ली की सरकार तीर्थ यात्रा योजना लेके आई, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा योजना, अब उन बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा योजना से आपको परहेज क्या है? बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने से आपको परहेज है? और मैं यहां मंत्री जी बैठे हैं, बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे पूछना चाहता हूं, दिल्ली के एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को रेल विभाग इसी दिल्ली में वो उन बुजुर्ग यात्रियों से स्टेशन पर मिलने जा रहे थे, और उन बुजुर्गों से मुलाकात को रोकने का काम रेलवे विभाग ने किया। और मंत्री जी आप आईएएस रहे, जिला अधिकारी रहे, उड़ीसा में आप आईएएस के तौर पे नौकरी कर चुके हैं, इस प्रकार का व्यवहार मत कीजिए एक मुख्यमंत्री के साथ। आपको 2500 फोन मैंने किया, 2500 बार आपके विभाग के कर्मचारियों को मैंने सूचना दी, मुख्यमंत्री के आवास से आपको सूचना गई, लेकिन बुजुर्ग तीर्थ यात्रियों को अयोध्या जाने से रोकने का काम आप कर रहे हैं, उनकी तीर्थ यात्रा पर रोक लगाने का काम कर रहे हैं। लड़ाई लड़ना है चुनाव में लड़िए ना, बुजुर्ग तीर्थ यात्रियों को आप क्यों टारगेट करते हैं, उनकी यात्रा का विरोध आप क्यों करते हैं, रेलवे की आमदनी कम करने पे आप क्यों लगे हुए हैं, अरविंद केजरीवाल का इतने स्तर पे जाकर विरोध आप क्यों करते हैं? चुनाव लड़िए ना, चुनाव से तो आप लोग भागते हैं, एमसीडी का चुनाव हो रहा है, भाग रहे हैं आप लोग, भाग रहे हैं एमसीडी के चुनाव से, भाग रहे मान मैं खत्म कर रहा हूं, चुनाव, अरे हिम्मत है तो चुनाव लड़ो ना, भागते क्यों? 56 इंच का सीना लेकर प्रधानमंत्री, तीन बार दिल्ली में इनकी जमानत जब्त हो गई मान्यवर, एक बार स्कूटर पार्टी बन गए 3 सीट आई, दूसरी बार इनोवा पार्टी बन गए 8 सीट आई, 3 बार से हार रहे और अभी एमसीडी के चुनाव में चुनाव से भाग रहे, करे केजरीवाल का सामना नहीं कर सकते, चुनाव से इतना डरते हैं आप लोग? देश के प्रधानमंत्री की छवि खराब कर रहे हैं आप लोग। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं हमारा 56 इंच का सीना है, आप लोग कहते हैं हमारी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी एमसीडी के चुनाव से भाग रही है, डर रही है केजरीवाल से, आप लोगों को शर्म नहीं आती? तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, नहीं मैं खत्म कर रहा हूं सर, ये गंभीर मामला है, हम लोग सांसद हैं, रेल मंत्री जी हम लोग सांसद हैं, आपके पास हमेशा कोई पैरवी करने के लिए नहीं आते और न रोज रोज आपको फोन करते हैं, लेकिन अगर हमारे निर्वाचित मुख्यमंत्री को आपका रेलवे विभाग अपमानित करेगा और हम लोग आपसे बात करना चाहेंगे, आप फोन पे नहीं आएंगे, कोई जवाब नहीं देंगे मैसेज का, ये व्यवहार आपका ठीक नहीं है, ये बहुत ही दुखद व्यवहार है। आपको दिल्ली की सरकार मुनाफे देती है, दिल्ली की सरकार रेलवे की तीर्थयात्रा कराती है और आप इस प्रकार का व्यवहार करेंगे, इस प्रकार का व्यवहार एक अंतिम बात कह के खत्म कर रहा हूं सर, अभी दूसरों को तो आपने 12-12 मिनट बुलवाया सर, हमारी जब बारी आती है उधर से चिल्लाने लगते हैं, आपके पार्टी के जितने समय होता है उसी हमेशा वहां चुनाव से भागते हैं, आपका समय होता है उसी हम चुनाव के अंदर बुलाते हैं, यहां आप बोलने नहीं देते सर, चुनाव आयोग जैसी संस्था को अपनी कठपुतली बना रहे सर, कहां बोले हम लोग, ये कहां जाए अपनी बात, आप रेल बजट पर बोलिए ना, अब तक तो आपने रेल बजट पर बोले ही नहीं, बातें हुई रेल बजट, आप कंक्लूड कीजिए, फिल्मी दुनिया तक की बातें हुई रेल बजट पे, फिल्म के गीत गा रहे थे लोग अभी रेल बजट पे, तो मैं ये कहना चाहता हूं रेल मंत्री जी थोड़ी संवेदनशीलता लाइए अपने प्रति, बुजुर्गों के प्रति, आपने बुजुर्गों के कंसेशन खत्म कर दी रेलवे में, आप थोड़ी संवेदनशीलता लाइए कुलियों के लिए, लालू प्रसाद यादव जी जब रेल मंत्री थे उन्होंने योजना लागू की थी उनको नौकरी देने के लिए, अब देखो कुलियों का भी विरोध कर रहे हैं सर, कुलियों का भी विरोध कर रहे, आप समाप्त कीजिए, नहीं गरीब आदमी का, आप समाप्त, गरीब आदमी का विरोध कर रहे हैं, आपका समय हो चुका, सबका विकास कहते हैं लोग, चुनाव के बाद सर महंगाई बढ़ा रहे, सिलेंडर का दाम, गैस का दाम, डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम, और यहाँ बोलिए कुलियों का विरोध, धन्यवाद, आपका सारा पॉइंट खत्म हो चुका है, आप कह रहे हो देश के पूर्व रेल मंत्री ने इस देश के कुलियों के लिए जिनके ऊपर एक फिल्म बनी थी, गाना था
सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। उन बोझ उठाने वालों के लिए देश के रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव जी ने नौकरी देने की व्यवस्था की थी। आज वो मारे मारे फिर रहे हैं, अप्लीकेशन देते हैं, धन्यवाद होते हैं, धन्यवाद खाते हैं, स्पीकर जवाहर सरकार नहीं सुनते। तो इसलिए इस देश के जवाहर सरकार जी साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आप लोग तो पकौड़ा योजना पहले जवाहर सरकार जी वांट टू स्पीक यूपी में, अभी यूपी के नौजवानों को इन लोगों ने कहा माननीय यूपी के नौजवानों को जाके प्रधानमंत्री ने कटोरा योजना दे दी। पहले पकौड़ा योजना, अभी कटोरा। धन्यवाद। अरे हारे हार नहीं 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 दिस इज नॉट दैट। हारे हो ना नहीं। धन्यवाद। नेक्स्ट स्पीकर इज आई एम कॉलिंग द नेक्स्ट स्पीकर। नहीं 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 ऐसे नहीं, ये ऐसे डिबेट नहीं होता है। प्लीज बी सीटेड। हाँ नहीं, आपका खत्म हो चुका है। जवाहर सरकार आप बोलेंगे? यू वांट टू स्पीक मिस्टर जवाहर सरकार? प्लीज नहीं, आपका समय खत्म हो चुका है। जवाहर सरकार, आप जवाहर सरकार का टाइम ले रहे हैं। ही डजंट, आप बोलना चाहेंगे? इफ यू डू नॉट वांट टू स्पीक आई एम कॉलिंग द स्पीकर।